नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के उन्नाव जिले का बबुरहा गांव, थाना क्षेत्र असोहा। 17 फरवरी की देर शाम यहां एक खेत में तीन नाबालिग दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। तीनों में से दो को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरी लड़की की हालत गंभीर है, उसे कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। खबरों के मुताबिक पुलिस अभी इस मामले को जहर खुरानी से जोड़कर देख रही है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में पुलिस को घटना स्थल पर किसी तरह के संघर्ष और लड़कियों के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। वो दोपहर में खास लेने गई थी, शाम हो गई पर वापस नहीं आई। पीड़िता की मां ने अलग ही बात कही। उन्होंने कहा कि लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन कपड़े बिल्कुल ठीक थे, दुपट्टा भी सही से गले में मिला था, हाथ पांव नहीं बंधे थे। भाई ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब जिस बहन का इलाज चल रहा है वो होश में आए और कुछ बताए तो मामले से पर्दा उठ सके। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस इस बात की पुष्टि करने में लगी है कि लड़कियों के हाथ बांधे गए थे या नहीं। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सुरेश राव ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि लड़कियों के मुंह से झाग आ रहा था, जिसके आधार पर डॉक्टर पॉइजनिंग की आशंका जता रहे हैं। हम सभी पक्षों से बातचीत करके उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। गहराई से जांच और उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।